नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू जयपुर वॉइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति से एक बड़ी खबर है। कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गई हैं। दिल्ली के अंदर भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी एवं राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की उपस्थिति में ज्योति मिर्धा ने भाजपा ज्वाइन करी है। आपको बताते चलें, ज्योति मिर्धा नागौर से सांसद रह चुकी हैं। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, उनसे भी मुलाकात करी है। ज्योति मिर्धा के साथ साथ पूर्व आईपीएस सवाई चौधरी, जिन्होंने भी आज भाजपा ज्वाइन करी है। और दो बड़े नेताओं के भाजपा ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। ज्योति मिर्धा पूर्व सांसद और राजस्थान के दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती भी हैं और 2009 में वो नागौर से सांसद रही हैं। एकदम से जो एक घटनाक्रम हुआ, किसी को पता भी नहीं था कि ज्योति मिर्धा भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उनके कई स्टेटमेंट्स आए हैं और कहीं ना कहीं अपनी पूर्व वाली पार्टी जो है उस पर वो निशाना साधती हुई नज़र आई हैं। ज्योति मिर्धा का आगे का राजनीतिक करियर क्या होगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजस्थान की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर हुआ। आप सभी जानते हैं राजस्थान में कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और उससे पहले कई नेता एक दूसरी पार्टियों में जाएंगे। लेकिन नागौर से पूर्व सांसद रही और राजस्थान के दिग्गज राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली ज्योति मिर्धा का बीजेपी में जाना बहुत बड़ा उलटफेर आप मान सकते हैं, कांग्रेस के लिए एक झटका आप मान सकते हैं। 2014 और 19 में वो लोकसभा नहीं जीत पाई, लेकिन 2009 में वो सांसद रही हैं और कहीं ना कहीं उनका जनाधार है नागौर के अंदर। और अब ज्योति मिर्धा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नागौर से बीजेपी की राजनीति में क्या बदलाव आता है, और 2014 में भी बीजेपी के ही सांसद रहे हैं नागौर से, 2019 में बीजेपी का गठबंधन रहा था और उस गठबंधन में आरएलपी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, लेकिन फिलहाल अब ज्योति मिर्धा बीजेपी में आ चुकी हैं। और कहीं ना कहीं आज जो राजनीतिक उलटफेर हुआ है, आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक दूसरी पार्टी में जो लोग, आप सभी जानते हैं चुनाव के वक्त ऐसा होता रहता है, लेकिन कई दिग्गज नेता जब पार्टियों में आते हैं, शामिल होते हैं, तो वो राजनीतिक समीकरण के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आज सुबह से ही ये खबरें न्यूज चैनल्स पर चल रही हैं कि कहीं ना कहीं राजस्थान में ज्योति मिर्धा के आने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। बाकी की अपडेट्स और न्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।